अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि किस तरह से पैंडास का एक जो ऑब्जेक्ट होता है सीरीज़, उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस पर कैसे काम कर सकते हैं और किस तरीके से उसको हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सीरीज़ का जो रिव्यू था उसके अंदर हमने ये जाना था कि किसी भी तौर पर सीरीज़ के अंदर जो भी हमें डेटा स्टोर करना है उसका वन डायमेंशनल होना ज़रूरी है, यानी कि वो सिंगल डायमेंशन में होगा। एक डायमेंशन के अंदर उसका डेटा होगा और साथ साथ उसकी इंडेक्सेस होंगी, तो जो सीरीज़ है वो एक सिंगल डायमेंशनल डेटा के लिए स्टोर होता है। अब अगर हमें डेटा जो है वो मल्टीपल डायमेंशन में इस्तेमाल करना है, यानी कि डेटा जो है वो एक से ज़्यादा डायमेंशन में है, जो कि नॉर्मली तौर पर होता भी है, तो उसके लिए हमें जो है वो सीरीज़ के अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं पैंडास का एक और ऑब्जेक्ट, उसका नाम है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम जो है वो सीरीज़ के साथ साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या मल्टीपल डायमेंशन डेटा को इस्तेमाल करने के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सीरीज़ जो है वो सिंगल डायमेंशनल है, जैसा कि हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक सीरीज़ के रिव्यू के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अपनी, कि सीरीज़ के अंदर एक हमारे पास वैल्यूज़ का कॉलम है और एक इंडेक्स का कॉलम है, ये एक हमारी सीरीज़ है। इसी तरह दूसरी सीरीज़ है, एक हमारी पहले सीरीज़ थी एप्पल्स की और उसके बाद दूसरी सीरीज़ थी ऑरेंज की। अब हम आते हैं डेटा फ्रेम के ऊपर। डेटा फ्रेम जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं। आप ये देखें, इसमें चार कॉलम्स हैं, एक नेम का कॉलम है, एक टीम का कॉलम है, एक नंबर का कॉलम है, एक पोजिशन का कॉलम है और फिर एज का कॉलम है, और साथ साथ एक इंडेक्स भी चल रही है जिसको हम रोज भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखें, जो लेफ्ट साइड के ऊपर 0, 1, 2, 3 ऊपर से नीचे तक हम जा रहे हैं, ये क्या है, हमारी रोज हैं और इन रोज के नंबर्स भी पड़े हुए हैं जिसको हम इंडेक्स कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पैंडास के डेटा फ्रेम में हम मल्टीपल कॉलम्स स्टोर कर सकते हैं और उन मल्टीपल कॉलम्स के नाम भी हम रख सकते हैं, और साथ साथ एक इंडेक्स कॉलम जो एडिशनल है या एक इंडेक्स जो है वो एडिशनल भी स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें किसी भी रो को एक्सेस करना है तो इंडेक्स के थ्रू रो को भी एक्सेस कर सकते हैं, और किसी कॉलम को एक्सेस करना है तो वो भी हम जो है उसके नंबर के जरिए या उसके नाम के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। यहां मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि इंडेक्स जो है पैंडास में, चाहे वो सीरीज की इंडेक्स हो या डेटा फ्रेम की इंडेक्स हो, दोनों सूरतों के अंदर ये जो इंडेक्स है हमारी, ये न्यूमेरिकल भी हो सकती है ऑटोमेटिक 0, 1, 2, 3, 4, और नॉन न्यूमेरिक भी हो सकती है। नॉन न्यूमेरिक के अंदर ए बी सी डी या कोई भी हम नाम रखना चाहे हम यहां पर कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे ये आप यहां पर देख सकते हैं, डेटा फ्रेम है। पहले वाले डेटा फ्रेम के अंदर आप ये देखें कि हमारे पास जो है वो रोज की जो इंडेक्स है वो नंबर्स की फॉर्म में है, जबकि दूसरे वाले डेटा फ्रेम के अंदर हमने क्या किया, चेंज किया है। अब हमारे पास जो इंडेक्स है वो लेबल फॉर्म में है, यानी कि हमने इंडेक्स के अंदर नॉन न्यूमेरिक डेटा इस्तेमाल किया हुआ है, कंट्री के नॉन न्यूमेरिक कोड इस्तेमाल किए हुए हैं। जबकि इससे पहले जो है हमारे पास पैंडास का डेटा फ्रेम था, उसके अंदर हम जो है वो नंबर्स इस्तेमाल कर रहे थे। तो दोनों चॉइसेस हमारे पास हैं, रोज के नंबर्स भी हो सकते हैं, यानी इंडेक्स के नंबर्स भी हो सकते हैं, और साथ साथ जो है वो लेबल्स भी हो सकते हैं। ये दोनों चॉइस हमारे पास हैं, हम जो चाहें। कॉलम्स के जो है वो हम नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलम्स के हम लोकेशन के थ्रू भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम कॉलम के नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास सीरीज़ है, मिसाल के तौर पर ये एक एग्जांपल देखें आप, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि दो सीरीज़ हैं। अगर हम दो सीरीज़ को मर्ज कर दें तो हम उसकी मदद से भी एक डेटा फ्रेम बना सकते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी है और वो ये है कि जब हम दो सीरीज़ को मर्ज करेंगे और एक डेटा फ्रेम बनाएंगे तो हमारा रिजल्ट डेटा फ्रेम के अंदर दो कॉलम्स होंगे, और एक कॉलम का नाम जैसे कि सीरीज़ में है वो सीरीज़ वन के नाम पर होगा और दूसरे कॉलम का नाम दूसरे सीरीज़ के नाम। सीरीज़ के अंदर हमने कहा था हम टाइटल स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब हम टाइटल स्टोर नहीं कर रहे तो हमारे पास जो है वो चॉइस होती है कि हम टाइटल बाद में दे सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है जो हमें समझना है और जिसको हमें याद रखना है वो है इंडेक्स। जब भी हम दो सीरीज़ को या किसी भी डेटा को मर्ज कर रहे होते हैं तो उसकी जो आपस में जब हम मिला रहे होते हैं, मर्ज कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर मर्जिंग या वो सेट बनाने के लिए जो चीज़ की रोल प्ले करती है वो है इंडेक्स। अगर इंडेक्स सेम नहीं होंगी तो हमारा डेटा जो है वो अलग अलग ही रहेगा। अगर हमारी जो है वो इंडेक्स सेम होंगी तो हमारा डेटा जो है वो प्रॉपरली मर्ज हो जाएगा, वरना जो है वो प्रॉपर मर्ज नहीं हो सकेगा। इसको हम फर्दर अपने कोड के जरिए जो है वो क्लियर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, पहला कोड है ये, आपको आई होप के नज़र आ रहा होगा, मैं स्क्रीन थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ।
ठीक है जी, जबरदस्त। अब ये स्क्रीन आपके सामने जरा थोड़ी बड़ी भी नजर आ रही है, यहाँ पर देखें इंपोर्ट हम कर रहे हैं पैंडास एज यूजुअल, हमें पैंडा की लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। हमने इसका नाम या एलएस दे दिया है। अब हमने दो सीरीज बनाई हैं, ये वही कमांड है जो हम पिछली वीडियोज़ में या पिछली क्लास में हम देख सके चुके थे। इसमें देखें एक एक सीरीज थी, उसका हमने नाम रखा एप्पल्स और एक का नाम रखा था हमने ऑरेंजेस। अब इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। अच्छा, यहां पर हमारे पास दो सीरीज हैं, हम इन दो सीरीज को प्रिंट कर रहे हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसको, जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें प्रिंट की हैं उसको हटा देता हूं ताकि आपको सही से सीरीज जो है वो प्रिंट होकर नजर आ जाए। अच्छा, अब इसके अंदर देखें कि हमारे पास जो एप्पल सीरीज भी हमने प्रिंट कर ली, ऑरेंज प्रिंट कर ली, इसके अंदर देखें ये जो चीज है ये हमारी वैल्यूज हैं राइट साइड के ऊपर, और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास क्या है उसकी इंडेक्सेस हैं। ये सारी न्यूमेरिक हैं, ये शो कर रहा है। अच्छा, अब हमें इनको मर्ज करना है। अब हमें इसको मर्ज करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाई है। डिक्शनरी हम इसलिए बना रहे हैं कि हमें हमें कीज की जरूरत है। ये कीज जो है ये हमारे पैंडास के अंदर एज अ कॉलम नेम इस्तेमाल होंगी। ये वाली कीज हम पैंडास में हमारे डेटा फ्रेम में कॉलम के नाम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और ये जो एप्पल्स हैं और ये ऑरेंजेस के नाम की सीरीज हैं ये इनकी वैल्यूज जो है वह हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब हमने क्या किया कि एक डिक्शनरी बनाई, उसकी की जो है वो हमने देखे यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये हमने एप्पल्स दे दी या ऑरेंज दे दिए, ये नाम कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, कांस्टेंट है, और उसके बाद ये हमने वैल्यूज दे दी। अब उसके बाद हम एक अपना डेटा फ्रेम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए कमांड क्या है हमारे पास, वही हम पीडी की लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और उसके बाद हमने क्या दे दिया यहां पर डेटा दे दिया। अब ये देख लें, ये डेटा जो है मैं यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं, इस डेटा के अंदर क्या मौजूद है, एक की मौजूद है एप्पल्स की, और उसकी वैल्यूज जो है वो कहां से उठा के ला रहे हैं हम, एप्पल्स ने, और ये एप्पल्स जो है वो ये एक सीरीज है। इसी तरह एक दूसरी की हम दे रहे हैं ऑरेंजेस, और ऑरेंजेस भी जो है वो एक हमारे लिए क्या है, एक सीरीज है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहां पर मैं ऑरेंज इस्तेमाल कर रहा हूं और यहां पर भी ऑरेंज इस्तेमाल कर रहा हूं।